हरिद्वार की, जहां पर हरिद्वार से निकलने वाली गंग नहर विजयादशमी की मध्य रात्रि से 20 दिन के लिए बंद हो चुके हैं, जिसे दीपावली की मध्य रात्रि को खोल दिया गया है। नहर बंद होने से हर की पौड़ी जल देने के बाद अन्य घाट भी जल विहीन हो चुके हैं। इसके चलते छठ पूजा करने पहुंचे श्रद्धालुओं को मायूस होकर लौटना पड़ा है। उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग के SDO शिव कुमार कौशिक ने थोड़ा जल छोड़ा, लेकिन वह डुबकी लायक भी नहीं है। उन्होंने कहा कि गंगा नहर में सिर्फ सिंचाई होती है, उत्तराखंड सरकार द्वारा बनाए गए ये घाट अनाधिकृत है। हर की पौड़ी के अलावा अन्य घाटों पर पर्याप्त जल छोड़े जाने को लेकर उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग के अधिकारियों से बातचीत की गई है। उन्होंने पर्याप्त जल छोड़ने का आश्वासन दिया है। तो वहीं स्थानीय विमला पांडे ने अनशन तक की चेतावनी दे डाली है। हरिद्वार से नरेश तोमर की रिपोर्ट।